सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा उसे मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो होने वाला हर वन पीस फैन के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर तुम मांगा रीडर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम एनिमे वॉचर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैं मांगा की स्पॉयलर नहीं देने वाला हूँ। बस तुम वानो आर्क तक एनिमे देखा होना चाहिए। साथ ही मेरा भाई, तुम लोगों का बहुत ज्यादा शिकायत आता कि मैं एनिमे वॉचर हूँ, भाई आप जिस तरह से वीडियो बनाते हो वो मांगा स्पॉइलर होते हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप के वीडियोस बनाते हो। तो उन लोगों के लिए मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आज से मैं जो है एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा। एक प्लेलिस्ट में होगा ओनली फॉर एनिमे वॉचर्स और एक प्लेलिस्ट होगा ओनली फॉर मांगा रीडर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर लूफी योंको बन जाता है तो क्या होगा? पहली चीज, जितना भी टेरिटरी दूसरे योंकोस के पास नहीं है उससे कई ज्यादा टेरिटरी लूफी के पास आ जाएगा। जब से लूफी की जर्नी स्टार्ट हुई है, लूफी एक एक आइलैंड पे जाता है, उस आइलैंड को पायरेट के कब्जे से फ्री करता है और वो वहां का हीरो बन जाता है। वहां की जनता उसे हीरो टाइप मानने लगती है, चाहे वो अलबास्टा आर्क हो, वैसे वो पैराडाइज के अंदर आ जाता है, बट वो भी इनडायरेक्टली लूफी के प्रोटेक्शन में ही है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सिर्फ न्यू वर्ल्ड की, ड्रेस रोजा, पंख हजार्ड, फिशमैन, वानो को भी ले लेंगे, क्योंकि लूफी काइडो को हराने के बाद योंको तो बन ही जाएगा। ऐसे ही आइलैंड जो है लूफी के अंडर आ जाएंगे, वो भी प्रोटेक्शन में। भले ही लूफी दावा नहीं करता है कि मैं इन पे राज करता हूँ, बट इनडायरेक्टली लूफी इनको प्रोटेक्ट ही करेगा अगर इनके ऊपर कोई हमला करता है, जैसे कि मरीन या फिर दूसरा कोई पायरेट, तो एक तरह से वो लूफी के क्रू के मेंबर के ऊपर हमला करना होगा। और रही बात फिशमैन आइलैंड की, तो यार अपना जिनबे तो खुद लूफी के क्रू में है, तो तुम तो समझदार हो ही कि तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ पैराडाइज के एरिया की, वैसे जिसको नहीं पता कि मैं पैराडाइज किस एरिया की बात कर रहा हूँ, तुम लोग जाके मेरा वन पीस वर्ल्ड एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना, वहां पे तुमको वन पीस के वर्ल्ड को पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो दोबारा से टॉपिक पे आते हैं, मैं पैराडाइज की बात कर रहा था। पैराडाइज के अंदर बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो लूफी के प्रोटेक्शन में आ सकते हैं, जैसे कि बोआ हैनकॉक का अमेज़न लिली आइलैंड, अलबास्टा किंगडम, वहां के लोग भी लूफी को हीरो की तरह मानते हैं, और वी भी तो यार इनडायरेक्टली लूफी के क्रू के ही मेंबर है, वो तो लूफी के फ्रेंड है। तो तुम समझ रहे हो ना, अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है फ्यूचर में, बाई चांस अगर कोई कर लिया, तो यार तुम समझ रहे हो ना लूफी योंको का, और साला किसी का मजाल नहीं है कि जाके योंको के साथ भिड़ सके। साथ ही अगर मैं बात करूँ ईस्ट ब्लू के एरिया की, तो लूफी ऑलरेडी वहां पे राज करता है, क्योंकि वहां के ज्यादातर स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स को लूफी हरा चुका है, और वहां के पायरेट्स के मुकाबले अभी तो लूफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अगर लूफी योंको बन जाता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेड हो जाएगा मंकी डी ड्रैगन के बाद, बिकॉज लूफी मंकी डी ड्रैगन का बेटा है, सबसे पहला मेन पॉइंट निकलता है। सेकंड, सैंक्स को वो आइडल मानता है, प्लस वो हीरो ऑफ द मरीन गार्क का पोता है, और ऊपर से उसने वानो को फ्री करवाया होगा काइडो को हरा के, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तो मेरा भाई टेंशन में आएगी ही, क्योंकि अगर इसके ऊपर हमला किया या फिर इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर हमला किया, तो ऑब्वियस ही बात है ये तो हमला करेगा। ऊपर से लूफी का ग्रैंड फ्लीट है, जहां पर 100 मिलियन से ज्यादा बाउंटी वाले पायरेट्स की भरमार है, उसका क्रू तो है ही, उसके बाद मार्को द फिनिक्स, प्लस वानो के जितने भी सामुराई है वो भी आएंगे, यामाटो जो काइडो का सन है या फिर डॉटर है, जो कहना चाहो कह लो, फिर आएंगे फिशमैन, उसके बाद अलबास्टा किंगडम के भी सोल्जर्स आएंगे, जितने भी उसके अंडर आते सब लूफी के तरफ से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही नहीं मेरे भाई, वॉरलॉर्ड्स भी इसके साइड से फाइट करने के लिए आएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल बोआ हैनकॉक का ले लो, लूफी अगर फाइट करने जाएगा तो बोआ हैनकॉक क्यों नहीं आएगी, वो तो जरूर आएगी। क्या सैंक्स आ सकता है? अगर लूफी वन पीस खोज ले और उसके बाद वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर हमला करे, तो सैंक्स जरूर उसके साइड से फाइट करने के लिए आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, अगर सैंक्स जिंदा बचा तो। प्लस मंकी डी ड्रैगन जो खुद लूफी का फादर है, उसको तो आना ही है, जब बेटा यार हमला कर रहा है तो उसका बाप क्यों नहीं आएगा, और ऊपर से रेवोल्यूशनरी आर्मी तो यार हाथ साफ करने के लिए खोजती रहती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी अगर लूफी योंको बन गया तो। ऊपर से लूफी खुद एक योंको बन चुका होगा, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक होगा, जिससे फाइट करने के लिए कोई भी बंदा 10 बार सोचेगा। वैसे मैं एक और चीज बताना भूल गया था, क्या तुम सबने वन पीस मूवी रेड के लिए पिटीशन पे साइन किया? अगर नहीं किया जल्दी जाओ साइन करो, जिससे हमें मालूम पड़ सके वन पीस का ऑडियंस इंडिया में कितना है,
और अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वन पीस मूवी रेड इंडिया में आएगा ही आएगा। खैर ये सब तो था अगर लूफी योंको बन जाता है तो। अगर तुम लोग जानना चाहते हो लूफी जब वन पीस खोज लेगा और वो पायरेट किंग बनने के बाद कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसके ऊपर मैं और अलग से वीडियो बनाऊंगा। वहां पर मैं बात करूंगा कि आखिर लूफी के क्रू मेंबर्स अगर अपने ड्रीम्स को पूरे कर लेते हैं, जैसे कि रोरानोआ जोरो वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन जाता है, तो वो कितना स्ट्रांग होगा, इस बारे में मैं बात बाद में करूंगा न्यू वीडियो में कभी और। तो खैर अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। साथ ही अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आज के लिए बस यही तक था वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी और। अभी के लिए बाय।